दो दिन पूर्व महिला पत्रकार पर हुए हमले के बाद अब महिला पत्रकार ने जहां सदर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करवाया है, वहीं निजी अस्पताल के संचालक ने भी महिला पत्रकार पर मुकदमा पंजीकृत करवाया है, जिसके बाद अब पत्रकारों के समूह ने आज रायबरेली जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय देने की बात कही है। वहीं पूरे प्रकरण में आज भारी संख्या में पत्रकारों ने सभी अधिकारियों से मुलाकात की और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कहा पीड़ित महिला पत्रकार व अन्य पत्रकारों ने। अपना नाम बता दीजिए और क्या समस्या है। मैं रायबरेली से आराधना पत्रकार हूँ। मैं कवरेज करने के लिए सैनिक हॉस्पिटल गई थी जो इंद्रनगर पावर हाउस के सामने स्थित है। वहीं पर हॉस्पिटल में कवरेज के दौरान मेरे साथ मारपीट, अभद्रता और मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर भी वार किया जाता है और वहीं पर मारपीट में मेरी चैन लूट ली जाती है, छीन ली जाती है। वहीं पर मैं जान बचाकर जब रोड पर भाग कर आती हूँ तो वहीं हॉस्पिटल के 5-6 गुंडे टाइप के लोग मुझे रोड तक घसीटते हुए लेकर आते हैं। तो उसके बाद मैं वहीं पर से 112 को और कोतवाली को, सिटी मजिस्ट्रेट को फ़ोन करती हूँ तो वो लोग मौके पर पहुँच कर पूरा जांच करते हैं। जांच करने के बाद कोतवाल सर की इसमें अहम भूमिका है। कोतवाल सर कहते हैं कि ठीक है, सॉरी बुलवा दिया जा रहा है, आप यहीं पे मामले को रफा दफा कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लिखित कोतवाली में तहरीर देते हैं और मेडिकल कराने की मांग करते हैं कि मेरा मेडिकल कराया जाए। मेरा मेडिकल करा कर मेरा मुकदमा पंजीकृत किया जाता है, लेकिन उसी के जस्ट बाद विपक्षियों से पैसे लेकर साठगांठ करके कोतवाली पुलिस राघवन कुमार सिंह कोतवाल मेरे ऊपर ही मुकदमा पंजीकृत कर दे रहे हैं कि आप रंगदारी मांग रहे थे, रंगदारी का मुकदमा मेरे ऊपर पंजीकृत कर दे रहे हैं। इसी मामले को लेकर आज हम रायबरेली पुलिस अधीक्षक से मिलने आए थे तो पुलिस अधीक्षक साहब ने आश्वासन दिया है कि जांच करके सही तथ्यों पर ही कार्रवाई की जाएगी। अपना नाम बता दीजिए और क्या समस्या है। मैं रायबरेली नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, मैं अमृत प्रभात टीवी का ब्यूरो हूँ रायबरेली। आज आप लोग कप्तान साहब के पास आए, क्या कह रहा है? कारण ये है कि एक हमारी छोटी बहन है, पत्रकार है आराधना, और वो एक सैनिक हॉस्पिटल का वीडियो कैवरेज करने वहाँ पर बहुत सारी अनियमितताएँ, हालांकि उसकी अभी वो लोग कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि बयान हमने अस्पताल अभी चालू नहीं किया, लेकिन जो 20,000 की रंगदारी का जो मामला है वो पूरी तरह से गलत है। पत्रकारों के ऊपर आरोप है और बाकी पत्रकारों को जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि घटना कभी किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिए पत्रकार साथी कितना गलत है कितना सही, आपस में इस बात को मनन करना चाहिए। इस बात की शिकायत हम लोग करने कप्तान साहब के पास आए हुए, जो मुकदमा लिखा गया है वो पूरी तरह से गलत है और वो ख़त्म किया जाए और सही न्याय किया जाए। आगे अगर मांगे नहीं पूरी तो फिर भी जंग छिड़ेगी और यहाँ पर इस बात की हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बातें रखेंगे। हालांकि मेरी सबसे पहले अपील उन सभी पत्रकार साथियों से है कि वो आपस में एकजुट होकर आवाज़ उठाएं और कुकुर मुत्तों की तरह जो अस्पताल खुले हुए हैं उनकी जाँच होनी चाहिए और टोटल गलत है। और CMO को शर्म आनी चाहिए कि बिना अंडर प्रोसेस के आप जिन अस्पतालों को लाइसेंस दे रहे हैं वो लोगों की मौतों के सौदागर हैं। वो सभी अस्पताल, इनकी जांच होनी चाहिए। कोई भी पत्रकार साथी 20,000-25,000 मांगने नहीं जाएगा, वो भी हर महीने, ये पूरी तरह से गलत है। और एक महिला साथी पत्रकार के साथ जिस तरह की अभद्रता की गई है वो पूरी तरह से गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए और मुकदमा ख़त्म होना चाहिए।